अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं तैयब डिटेल ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज सब लोगों के खिदमत में हाजिर हूं फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि पार्कसेट से आप हॉटबर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सामने ये देख सकते हैं, मेरे पास 5 फीट का डिशन डीना है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और इस टाइम इस पर पार्कसेट सेट है और पार्कसेट के सिग्नल भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। और उसके बाद पार्कसेट से आपने हॉटबर्ड की तरफ कैसे जाना है वो भी प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलएमबी पोजिशन देख लें पार्कसेट की पहले, और ये आपके सामने 5 फीट का डिशन डीना है। और अगर मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, इसके बाद मैं आपको चैनल सेटिंग दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, ये आप पीछे से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी सेटिंग में मैं आपको सेटिंग करने सिखाऊंगा हॉटबर्ड की, और मैं इन रॉड्स को नहीं छेड़ूंगा, ताकि अगर कोई नया बंदा या किसी ने अभी तक नहीं ट्राई की जो जानता है सेटिंग के बारे में, तो पार्कसेट से भी ट्राई कर सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लें पार्कसेट की तरफ मेरी डिश खड़ी है। उसके बाद मैं सामने से आपको दोबारा दिखा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लें जी, पूरा 5 फीट का डिशन डीना है। और उसके बाद मैं आपको इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इसकी स्ट्रॉन्ग टिप भी लगी है, और आप इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि कितनी मिल रही है मुझे। और आपके सामने 62% से करीब मिल रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम, लेकिन 62% एटलीस्ट आ रही है। तो ये गोट वाला रिसीवर है, इसमें इस तरह आ रही है, और F1 वाले में इससे ज़्यादा आती है। तो आपको बताया वो 15.6 वाले रिसीवर में, सॉरी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका फीड आयरन वगैरह भी चेंज करके दिखाऊंगा। तो इस फीड आयरन को हम करते हैं रिप्लेस, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको करना है। फ्रेंड्स, मैं इसको करता हूँ रिप्लेस, यानी कि मैं इस फीड आयरन को चेंज करूँगा KU बैंड वाले फीड आयरन के साथ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चेंज करते हैं इसको फीड आयरन को। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिश का फीड आयरन चेंज कर दिया आपके सामने ये। ठीक है, तो फ्रेंड उसके बाद हम ये LNB फिट करेंगे आपके सामने, और मैं आपको दिखाता हूँ LNB फिट करके। अभी मेरी डिश पार्कसेट पड़ी है, और इसको हॉटबर्ड पर कैसे करना है और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी वायर कनेक्ट करेंगे LNB के साथ, ये देख लें वायर, ये नीचे पड़ी है मेरी वायर, लगाएंगे। और उसके बाद हम TP लगाएंगे, और TP लगाने के बाद मैं आपको बाकी प्रोसीजर दिखाता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टीवी स्क्रीन की तरफ, और उसके बाद हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है अपनी सेटेलाइट हॉटबर्ड है हमारी, और ये आपके सामने इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी रही 10990 वर्टिकल 27500। और इसके बाद हम पोर्ट चेंज कर लेंगे अपनी, ये मेरी DESIC 1 है, तो मैंने DESIC 1 सेलेक्ट कर लिया है। और आपके सामने है, अभी सिग्नल शो नहीं हो रहे क्योंकि मेरी डिश पार्कसेट की तरफ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने LNB भी सेट कर ली है अंदाजन, और अब हम डिश को मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब डिश को मूव करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मेरे पास सिग्नल रिसीव हो रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम इसकी चैनलिस्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाजमी पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिश सेटिंग की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डिश सेटिंग की तरफ, और अब आपको सामने ये देख सकते हैं ये पार्कसेट पर मेरी डिश सेट है। और इसके बाद आपने डिश को करना है कि आपने पार्कसेट की राइट तरफ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट तरफ जाएंगे और डिश को आपने उठाना है। तो मैं सबसे पहले अपनी डिश को उठाता हूँ और राइट साइड मूव करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने मैं राइट साइड मूव कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने डिश को कितना करना है, और उसके बाद LNB पोजीशन को देखना है।
ये आपके सामने है। एलन डिफ्यूजन हम थोड़ी सी सेट करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपने आज तक से डिश को मूव करना है राइट साइड पर, और राइट साइड की तरफ आपके ये सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, और डिश को आपने ऊपर उठाना है, और जैसे ही आपको सिग्नल मिलेंगे आपने डिश को होल्ड करना है। सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे सिग्नल मिलते हैं, और ये देखें ये मेरे को सिग्नल आए, ये देखें फ्रेंड, यहाँ पर मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, और यहाँ पर मैं डिश को होल्ड करूँगा और आपको उसके बाद सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा और फाइन ट्यूनिंग करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने डिश को सेट कर दी है, और अब मैं आपको इसकी एलएमबी पोजीशन दिखाता हूँ। ये देख लें आप, आपके सामने है बिल्कुल। इस तरह आपने एलएमबी पोजीशन रखनी है, और रॉड को कितना अंदर या बाहर करना है ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 इंच आपका ये रॉड एलएमबी का बाहर रहेगा, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने पास साइड से डिश उठाई थी। अब मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, और ये मैंने डिश उठाई हुई है पास साइड से। तकरीबन 10 से 10.5 इंच ये फासला बनता है, आप देख सकते हैं। और पास साइड से मैंने इस तरफ यानी कि राइट की तरफ आपको सारी सेटिंग दिखाई है मैंने, और आप ये देख सकते हैं। ये देखें, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ इधर से, और इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर भी इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह दिखा देता हूँ कि कितने परसेंट सिग्नल रिसीव हुए हैं इस पर। 5 फीट का डिश एंटीना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप सबके लिए ये नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं डिश स्क्रीन की तरफ और उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं डिश स्क्रीन की तरफ, और आप ये सिग्नल स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि मेरे पास कितने परसेंट सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। 5 फीट का डिश एंटीना है, और आपके सामने फ्लक्चुएट कर रहे हैं सिग्नल, और हम इसको करते हैं ब्लाइंड स्कैन और देखते हैं कि हमारे पास कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं ब्लाइंड स्कैन की तरफ। आप स्ट्रॉन्ग टीपी देख सकते हैं ऊपर, और अब हम इसको करते हैं ब्लाइंड स्कैन, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी को इस सेटिंग का पता लग सके। और ये 5 फीट पर मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरी लोकेशन के हिसाब से मैंने अभी तक 5 फीट पर किया है, और आपकी लोकेशन के हिसाब से वैसे मिनिमम ये 6 फीट की डिश पर आती है, लेकिन मैंने इसको 5 फीट की डिश पर ट्रैक किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 4 फीट की डिश पर भी इसको ट्रैक करने की कोशिश करूँगा, और आप सबके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँगा। और ये आपके सामने स्कैन हो रहे हैं चैनल, तो स्कैनिंग के प्रोसेस को करते हैं ज़रा फास्ट, ताकि चैनल रिसीव होने के बाद आपको चैनल दिखा सकें। ये आपके सामने हो रहे हैं, तो मैं ज़रा चैनल वीडियो करता हूँ पॉज, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तकरीबन 160 के करीब चैनल रिसीव हुए हैं इस टाइम पर, तो इसको करते हैं ओके और चैनल डिश की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके साथ बेल आइकन में ऊपर आई के बटन पर दूसरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिस पर मैंने आपको ये सी लाइन पर चैनल चेक करवाए हुए हैं, ये आपके सामने हैं। अगर आप शुरू से देखें इसको, तो शुरू से मैं आपको चैनल चेक करवा रहा हूँ। ये ए आई टी वी टी वी पोनिया ओलिनिया, उसके बाद फैशन टीवी, क्योंकि मैं आगे बैठा हूँ रिश्के तो ज़रा मसला कर रहे हैं, ये आपके सामने है फैशन टीवी वगैरह। ये सारे मैंने चैनल चला के दिखाए हैं आपको, और इसमें दूसरे चैनल भी हैं, ये देखें ये चैनल्स इस पर आ रहे हैं फ्रिक्वेंसीज की भी, और ऊपर आई के बटन पर और वीडियो के लास्ट में आपको दूसरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये रहा है कि पूरा पैकेज इस पर चल रहा है, और भी इस पर ये आप देख सकते हैं TST चैनल 1 to 1 ये आपके सामने है, और 2 Moto GCN बेस्ट मार्केट गंजे हजूर, और TV 8 RTRF रिटर्न
पैगाम पाकिस्तान और ये दूसरे चैनल की आप देख सकते हैं, जितने भी पेड़ चैनल हैं ये सी लाइन पर चलते हैं। अगर आपको इसकी सी लाइन चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, आपने कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।